सितंबर को रिलीज होने जा रहा है विक्रम वेधा का ट्रेलर। इस बार ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ दूसरी स्टार कास्ट भी आएगी नजर। जैसा कि हम सबको पता है कि बॉलीवुड को अब एक हिट फिल्म की दरकार है और इस हिट का हर कोई इंतजार कर रहा है। वैसे तो अभी तक रिलीज हुई सभी फिल्मों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सबकी सब बुरी तरह से फ्लॉप रही। पर आने वाली फिल्मों को लेकर अभी भी फैंस की, मेकर्स की और कुछ सेलेब्स की थोड़ी उम्मीदें बाकी है। इन्हीं फिल्मों की लिस्ट में एक नाम है जो लोगों की इस उम्मीद पर खरा उतर सकती है, जिसका टाइटल है विक्रम वेधा। आज हम आपको ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म विक्रम वेधा के बारे में बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर देंगे। दरअसल खबर है कि फिल्म विक्रम वेधा का दमदार ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, ऋतिक और सैफ की इस फिल्म का ट्रेलर इसी आने वाले मंथ यानी कि 8 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। खबर है कि इस ट्रेलर में हमें ऋतिक और सैफ के अलावा और भी दूसरी स्टार का देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म का एक टीजर अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था, जो कि काफी दमदार और धमाकेदार था और लोगों को काफी पसंद भी आया था। फिल्म से जुड़ी कुछ और खबरें आपको बता दें तो इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी है, जिसे काफी खूबसूरती से पेश किया जाएगा। सॉन्ग का नाम चांद सितारे है और इस गाने में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस गाने में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ एक आइटम गर्ल भी डांस करती नजर आएंगी और उस आइटम गर्ल का नाम रिवील हो गया है। इस धमाकेदार सॉन्ग में राधिका आप्टे ऋतिक और सैफ के साथ ठुमके लगाती दिखेंगी। ये भी बता दें कि फिल्म के इस सॉन्ग के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि ये सॉन्ग अगले मंथ में ही रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ये तीनों एक्टर्स कभी भी किसी भी फिल्म में साथ आए हो। पहली बार और ये पहला सॉन्ग है जिसमें ऋतिक, सैफ और राधिका एक साथ डांस करते देखे जाएंगे। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म का चाहे ट्रेलर हो या गाना, सब खूब धमाल मचाने वाला है। विक्रम वेधा फिल्म को पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया है और 30 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा। विक्रम वेधा को गुलशन कुमार टी सीरीज फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा फ्राइडे फिल्मवर्क्स और वाइनॉट स्टूडियोज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।